शिवाय नमः। थाना के गाड़ी आई बा, चला हाली। हमरा दुआरे थाना के गाड़ी। हाँ हाँ, तुहरा दुआरे थाना के गाड़ी आई बा। ये पकड़ा तो छीटा हम आवतानी। ई कुल का हो रहा है? तोहरे घर पे कब्जा। हाँ? वो कोर्ट के आदेश से। कोर्ट के आदेश से? हाँ। बाकी कोर्ट के हम का बिगड़ ले बनी? कोर्ट के ना बिगड़ ले बड़ा, बैंक के बिगड़ ले बड़ा। बैंक के? बैंक के? ई देखो, अंगूठा के निशान तुहार हा। तू अपन घर बैंक के 30,000 रुपया में बेच देले रहलो, यही से हम आइल बनी कब्जा करे। गलत है ई बात। रउआ हमार अंगूठा के निशान के गलत फायदा उठा रहल बानी। अरे हम तो अपनी पति कौशल्या के इलाज खातिर घर के बैंक में गिरवी रखे रही साहब। देखा भाई, गलत सही के फैसला जबान से ना होला, ये कागज से होला। दरोगा जी। जी सर। ये घर के सील कर दो। ठीक बा सर, आइए। परशुराम, अरे भाई देख का रहल बाड़ा, कुल सामान ले जा के अपना घरे रख दा। माफ करी भैया, हमरा घर में हमनियन के जगह नहीं खे, रउआ लोगन के कहां से रखब। दिन जब सर पे आवे, परछाई भी साथ छोड़ावे। ओ, दुख के दिन जब सर पे आवे, परछाई भी साथ छोड़ावे। ए हो, ऊपर वाला लिखे वाला तो नसीब हो, दे दी हम गतिया
तो बनैहा जन गरीब हो दे दी हा मौ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो ओहो साथ छोड़े के भी रहेला करीब हो दे दी हा मौ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो दे दी हा मौ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो के कोई न साथी बन ले के सब यार बा छूछा के केहू ना पूछा मतलब के संसार बा ओ, बिगड़े दिन के कोई न साथी बन ले के सब यार बा छूछा के केहू ना पूछा मतलब के संसार बा ए हो नसीब हो दे दी हा माओ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो दे दी हा माओ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो ओहो साथ छोड़े के भी रहेला करीब हो दे दी हा माओ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो दे दी हा माओ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो। हे भैया हई बर्तनवा हम धो दी हमार बिटिया बहुत भुखाइल बिया दुगो पूरी मिल जाए तो हम खिया देती। अरे तब बिटिया के पूरी खियोले खातिर बर्तन मजले का जरूरत बा हम तो ऐसा ही दे देती ओके आपन बिटिया समझ के। ना साहब हम खैरात के दाना अपना बेटी के ना खियाए हई धो देब तब पूरी मिल जाए तब बड़ी मेहरबानी हुई साहब। ठीक बा भाई जा माज दो जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया के माई बिटिया ए बिटिया देखा बाबूजी आ गए ले चाचा हाँ? बड़ा देर से देखा था नहीं है जब बैठल कोनो दिक्कत बा का? हाँ इस शहर में ना हमारे गो दिनेश भैया रहेले सुनले बाने की ठेला चलावे ले उन्हीं के खोजे तानी जा बाबू। अच्छा दिनेश भाई ठेला वाला हाँ? उनका के तो हम खूब बढ़िया से जाने नहीं। ए बाबू तू जाने ला उनका? हाँ अरे हमनी के उनका लगे ले चला। हाँ हाँ काहे नहीं दिनेश भाई के रिश्तेदार यानी की हमारे रिश्तेदार ले चला बाबू। चला 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 चल बिटिया आओ बच्चा। ए चाचा यहीं बैठा हम दिनेश भाई को बुला के लावत हैं। अच्छा चलो बेटा। जय बजरंग बली की। अहो कहीं दिनेश भी हम लोग के मदद करे से मुंह तो ना मोड़ लेलन। अरे नाना शुभ शुभ बोली विद्या के बाबू। अरे
दिनेश भैया के ना हम लड़कई से जानी ले, उस सब के मदद करे खातिर हमेशा तैयार रहे ले। आ, हम तो ओकर बहिन है, हमनी के बारे में सुनी तऊ जरूर आई, रउआ घबराई मत। का बात है भाई, बड़ी देर से देखा था नहीं, बैठल बड़ा। पंडित जी, यही जे मोहल्ला में हमारे गो भैया रहे ले, उन्हीं के बुलावे खातिर एगो बोवा गेल बाड़न, उन्हीं के राह जोहतानी हमनी। अरे ऊ बिलवा, ऊ तो ठग है, ऊ तोहार सब सामान लेके भाग गई। ए जी, अब का होई जी, ओ में तो हमार का पड़वर है और जो राउर माई पहलवा दे ले रही वो वही में रहे। अरे चुप कर विद्या के माई, अरे देखा तारुई ओस कितना पड़ता, ठंडा कितना बा, रात कैसे कटी सोचे के बा। सुना भाई, उन्हें चिता जलाता, वहां जाके ताप लो। राम 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 राम, चिता लगे पंडित जी? ए चुप कर, ठंडा में मर जाइबू, तोरा चिता लौकता चला आता। अब सूखल फूल के कोई न पूछे ताजा फूल के दाम हा, गरीब के ना कदर कहीं हा, बदनामी सरेआम हा। सूखल फूल के कोई न पूछे ताजा फूल के दाम हा, गरीब के ना कदर कहीं हा, बदनामी सरेआम हा। तू बनई हा जन गरीब हो। आईजा, गोड़ लगता नहीं। खुश रहा। प्रणाम। खुश रहा। आईजा कैसे? गांव के खोता तो उजड़ गए दिनेश। खोता उजड़ गए? ये कैसे हो गए? अरे हमरा साथे बहुत बड़ धोखा भई, पढ़ल लिखल नहीं ना, वो बैंक के मैनेजरवा बेईमानी करके घर लिखवा लेला। ये तो बहुत बुरा भई, ये शहर में तहनी के का करवा जा? अरे इतना बढ़हन शहर बा, कुछ काम तो मिलिए जाए, काम करब और पेट पालब। ए भैया, आपको लिए जे बतवा लेबे कि हमनी के घर हो ले चलबे। अरे आ, चल उठा उठा आवा, हाँ, चल बेटा। आजा आजा, देखा मालती। ई लोग के हा? ई हमर कौशल्या दीदी है, आई हमर जीजा हवन, और ई प्यारी भांजी। ई लोग के ऐजा लेके कहे आयल बानी? अरे दीदी के गांव के घर छिना गिल बा, तो अब ऐजे रही हन जा। अच्छा, ई हमार घर है, कोनो सराय नहीं कि जब चाहे केहू भी मुंह उठा के चलावे। मालती, ई तू का कहत रहू? अरे मुसीबत में रिश्तेदार रिश्तेदार के काम ना आई तो और के आई? अच्छा, तो हम यहाँ रिश्तेदारी निभावे खातिर बैठल बानी। हम शांत ना रह, देखा तनी सब है ई का करतरे, हमार पूरा घर बर्बाद करतरे, घर में कुछ खाए खातिर नहीं है, और ई लोग के उठा के ले ले आई जा, कहाँ से खेब रहुआ? हाँ बताई। अरे
कोई बोलेगा? चंपा, ये लोग दिनेश के बहन बहनोई हैं, बेघर हो गए बड़े। मालती इनकर मदद करने के बजाय उल्टे इनके भगा रहल बिया। चोर चोर चोर! ए चोरी, कौन है चोर यहाँ पे? ए चोरी, क्या क्या चुराया इसने तुम्हारा? माई के बैग, ओमे दो जोड़ी हमार कपड़ा रहे और दो जोड़ी माई के। ए बिलवा, आधे घंटे में इसका सामान इसके पास होना चाहिए, नहीं तो ये खाल खींच के ना तेरा भूसा भर डालूंगी। समझा तो? जी मौसी। ए चोरी, इधर आ। बहादुर छोड़िया ना मने बहुत पसंद आवे है, समझे? अपने बाप से बोल दे, ये अंधों के बस्ती में ना चश्माना बिकता है, समझे? ए पंडित, हाँ वो जो गांव के बीच में झोपड़ा है ना, इन्हें ले जाके दिखा दे, ठीक? समझा? सुना लोगी, आवाज चला हमारे साथ। जाके देख। ठीक बात। दिलिया, इले तहार सामान मिल गई। उ चोरवा रहे ना बिलुआ, उ दे के गईला, और ये कुछ बर्तन ले आयल बनी ओकरा से चोरा के। अब घर में जरूरी बना दीदी, अभी आयल बढ़ू जा, बर्तन उर्तन कहाँ से किनाई, तो यही से बर्तनवा ले लेनी है। रख दे तनी भितरिया। कोनो दिक्कत तो ना हुई? अरे ना दीदी, तो ठीक बता। हाँ। कोनो काम हुई तो बोलिए। हाँ भैया। ठीक बा। ला जीजा। हमरा माफ कर दिया जीजा, ई मेहरारू के चलते हम तहरा ई मुसीबत में काम ना सकनी। अरे ना दिनेश, जाय द छोड़ा, जौन बीत गेल तौन बात गेल। भगवान के दया से रहे के त व्यवस्था हो गई बा, अब कैसा हूँ चार पैसा कमाए की व्यवस्था हो जाय त जीवन कट जाय, को जुगाड़ करा सकेला? अरे जीजा, जे तहरा रहे के ठिकाना देले बड़ी ना, हाँ, वह तहार रोजी रोटी के जुगाड़ करिए। मतलब? चंपा ठेला देली भाड़ा पे, ठेला के जुगाड़ कर ला, काम हम दिया दे, बस गाड़ी चल पड़ी। अबे सुपारी का चना है ना? ना मौसी, ना एकदम सही है। बे बिल्लो, ए बे मानस तो वही दिखे मने, पिछले महीने 500 किराया ना दिया था मेरा। जी मौसी। चल इसको इधर से लाख मार के निकाल, जानता नहीं मेरे को। निकाल, चल निकाल, निकाल, निकाल इधर से मौसी। निकाल। प्रणाम। इब तुम का करने आ गए भैया? अगर ये सोच के आए हो कि झोपड़े का किराया माफ हो जाएगा तो ये तो ना होगा। 1000 रुपया तो महीने का लगेगा, समझ में आबे तो रहो, ना तो भैया दूसरा देख लो। हम किराया माफ करावे नहीं खी आए, हम ते एगो ठेला चाहिए। ठेला चाहे तो ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा ठेला चले ना चले, मरने को तो शाम का शाम 100 रुपया चाहिए, लगता है तो लेके जाओ। हाई वाला ले ला। ए
ए बिलुआ। जी मौसी। हिसाब बराबर होना चाहिए ना तो तेरा खाल खींच के भूसा भर डालूंगी। बस कर जीजा, आज तहर पहला दिन बा, इतना सामान लेबा तो रात के ही पूरा देह दर्द करे लगी। अरे दिनेश, इस दर्द से हमार बहुत पुरान नाता बा, हमरा कुछ ना हुई। ले ला, चला ला भाई। विद्या के माई आवतनी। हाय देख, सवेरे से कुछ खाईले नहीं खे, खाला पहले। हाय देखा ये कुछ पैसा खेला के भाड़ा दिला के बाद बाचल बा, ठीक बा। तनी जुगा के रखिया, ठीक बा। अब विद्या बेटी माई के तंग मत करी हा, आ खाला है ना। बच्ची रुको, कहाँ जा रही हो? हम ओके स्कूल में पढ़े के बा। नाम लिखा है आपका? ना। तो घर जाओ, मम्मी पापा को लाओ, उसके बाद आना पढ़ने। जाओ घर जाओ। आगे नहीं विद्या के बाबू। हाँ, हाय लहो। हाँ। ये 190 रुपया। आज भाड़ा कम मिलल है, वही से कम पैसा। कोनो बात ना, हमनी के गृहस्थी चलावे खातिर इतना बहुत बा। अहो, हमार बिटिया के का भइल है? गरीब के लड़की सवेरे से जिद धा के बैठल बिया पढ़े खातिर, कहतिया स्कूले जाए पढ़े। हाँ तो गलत का कर हर बड़ी। अरे बेटी आवा, बेटी आवा आवा, इन्हें आवा। हमार बेटी कभी भी मुंह ना फुला सकेली, है ना बेटी? स्कूल तो जाई पढ़े,
सुना काल भोरे भोरे हमार बेटी के तैयार करा दिया एकरा के हम स्कूल लेके जाए है ना बेटी हम पानी लेके आवतनी हाँ लावा स्कूल में जाई पढ़ाई करी बड़ा साहब बनी है ना हाँ बोलिए बिटिया के नाम स्कूल में लिखावे के बा इसमें नाम पता और साइन कर दीजिए ए साहब अरे हम पढ़ल लिखल नहीं तो साइन कैसे करब कोई बात ना हम लिख देते नहीं चाचा वो सामने जो दिख रहा है ना अच्छा आप वहाँ जाइए उनसे पता करिए ठीक ठीक हाँ ठीक है जाइए प्रणाम मैडम प्रणाम सर बैठिए बैठा बोलिए सर जी बेटी के एडमिशन करावे के बा किस क्लास में तीसरा तक गांव में पढ़ ले भैया इसका मतलब आपको चौथे क्लास में एडमिशन कराना है जी 12,000 लगेंगे 12,000 जी 6,000 एडमिशन फीस 6,000 कॉपी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए आप पैसे जमा करा दे एडमिशन हो जाएगा बाकी हमरा लगे तो 100 रुपया ना ही बा एक काम करे फिर सरकारी स्कूल में जाए और एडमिशन करवा लीजिए चलो बेटी देख ले लू बेटी हमनी के औकात तोहरा ये स्कूल में पढ़ावे के नहीं खे हम तोहार नाम काल सरकारी स्कूल में लिखवा दे ठीक बा तू घर चला हम आ बता बच्चों शांत बैठो देखो बच्चों इधर ध्यान दो एक छोटा सा प्रश्न है उसका जवाब देना है 36 / 6 इजकल टू व्हाट क्या होगा इसका आंसर पता है आप लोगों को कौन बताएगा तुमको आता है तुमको सर 6 अरे बच्ची रुको अरे रुको 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 गार्ड रोको उसको रोको रोको ए, रुको रुको बेटा अरे छोड़ो छोड़ो उसको क्या बेटी क्या नाम है तुम्हारा विद्या कुमारी तो खिड़की पर काहे को खड़ी थी हम पप्पा पढ़ाई खातिर बाबू संगे आयल रहनी एकलव्य भी ऐसे छुप छुप के पढ़ाई के लिए अरे वाह बहुत अच्छा तुम तो जानती हो कहाँ तक पढ़ी हो गांव में 3 क्लास पढ़े हैं अब नहीं पढ़ती हो ना क्यों हमारे बाबू के पास पैसा नहीं था कोई बात नहीं बेटा कल अपने बाबूजी को लेके आना हाँ और तुम चलो गेट पे जाओ जा 11, 12, 13 ए बिलवा जी मौसी 1,000 रुपया जाके मेरे अकाउंट में डाल दे दोपहर को ठीक बा मौसी और ये 300 रुपया मेरे पान पत्ती के लिए दिन भर के लिए ठीक है चलेगा ठीक बा मौसी मैडम जी प्रणाम इबका कड़े आ गए हो भैया तुम किसी खैरात के उम्मीद से आए हो ना वो तो ना मिलेगा मेरे यहाँ मैडम जी खैरात खाए के हमरो आदत नहीं खे मुँह गेल पसंद करब बाकी खैरात लिहल ना हम तो ठहरनी अनपढ़ गंवार आदमी अरे जा हमनी के ता अपने के आशीर्वाद से रह रहल बानी बस एगो कृपा और कर दी कल हमार बिटिया स्कूल में कुछ गड़बड़ कर दिले बिया वही से मास्टर साहब हमरा के भुलैले हवन हमरा तो बहुत डर लग रहल बा मैडम जी रउआ अगर 5 मिनट खातिर हमरा संगे स्कूल चलती ता बड़ी कृपा हुई ए बिलवा जी मौसी धंधे आ ख्याल रख आती हूँ मैं पता नहीं छोरी ने क्या गड़बड़ किया स्कूल में हाँ ठीक है चलिए भी रख पान पत्ती का खर्चा भी दो अपने पास ठीक है
चल छोड़े आजा। नमस्कार मिश्रा जी, ये आज्ञा होवे तो अंदर आ जाए। हाँ चंपा आओ। आओ भैया बैठो। कैसे आना हुआ? इब का है मिश्रा जी कि छोरी से गलती हो गई, इसको माफ कर दीजिए। ये भी आगे से आपके स्कूल के पास क्या आगे पीछे भिड़ा भटकेगी। ए छोरे माफी मांग गुरुजी से। मांग बेटा। अरे रहने दो बेटा, रहने दो रहने दो। हाँ ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? अरे मिश्रा जी आ बेड़ा, बच्चों जैसी सवाल करते हो। अरे आपको तो पता है ना चंपा सारी बस्ती की और सारी बस्ती हमारी। सही बात है। और ये है इसके बाप दशरथ महतो। अच्छा दशरथ बाबू, आइए बैठिए। आओ आओ घबराओ मत। बैठिए। देखिए दशरथ बाबू, कल हम आपकी बच्ची से मिले थे, बहुत टैलेंटेड और होशियार है। आप इसको कहीं पढ़ाते हैं कि नहीं? ऐसा गांव में तो पढ़त रह लिया, बाकी शहर महिला के बाद पढ़ाई छूट गई बा। छूट गया तो फिर से चालू हो सकता है? इसका कहीं नाम लिखाइए अच्छे स्कूल में। मार्ट साहब, गरीब के लड़का पढ़े खातिर ना पैदा होला। ये आपसे कौन बोल दिया? समय और हालात। कल हम अपना बेटी के लेके इजा नाम लिखावे आयल रहनी है। अच्छा। 12,000 रुपया मंगलन जमा करेगी। ऐसा है। अरे 12,000 जमा करे में तो हमार उम्र गुजर जाए। देखिए दशरथ बाबू, अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे स्कूल के मैनेजमेंट का कोटा है, जिसमें आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं होते हैं बच्चे उनका फ्री एडमिशन लिया जाता है। बस 2-4 सवाल इससे पूछेंगे, अगर इसने सही जवाब दिया तो समझिए अभी एडमिशन हो गया, उसमें क्या है। अरे पूछिए पूछिए मिश्रा जी। ए छोरे दे जवाब सवाल का। तो बेटे बताओ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तुम जानती हो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। वाह बहुत बढ़िया। अरे वाह छोरी। तो दशरथ बाबू आप समझिए कि इस बच्ची का एडमिशन हो गया है, बस आपको एक वादा करना है। वो वादा ये करना है कि जब इसका एडमिशन हो जाए प्रतिदिन बिना नागा के इसको स्कूल भेजना, क्योंकि याद रखिए बेटी पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। ए साहब, अरे रउआ ताजी गरीब के आंख में सपना बसा देनी। हम आपसे वादा करता नहीं कि हम ही सपना कभू टूटे ना दे साहब, कभू ना। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्ते। खेल यार हर कठिनाई को झेल यार, जुनून खून में दौड़े तो पत्थर से निकल जाए तेल यार। हो संकट को समझ ले खेल यार हर कठिनाई को झेल यार, जुनून खून में दौड़े तो पत्थर से निकल जाए तेल यार। सागर की लहरें तेज धार गिरती उठती है बार बार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार। मन से
से जीत है दुख को सुख मान ले, कांटों को भी भूल समझ मुट्ठी में जमाना बांध ले। ओ मन से हार है मन से जीत है दुख को सुख मान ले, कांटों को भी भूल समझ मुट्ठी में जमाना बांध ले। नहीं हौसला गिरने दे जो साथ समंदर हुआ पार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार, तू कभी ना हिम्मत हार हार, तू कभी ना हिम्मत हार। चढ़ेगा माला फूल। अरे वाह 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 वाह, देखा हमार बेटी कितना पढ़े ली, शाबाश है। अरे हमार बेटी। जीजा जी इतना परेशान होके के कोनो जरूरत नहीं के। दीदी अरे ये मोहल्ला के पहला लड़की है हमार भगनी, जे दसवीं में फर्स्ट आई, देखिए ओकर रिजल्ट आवे वाला बा। रिजल्ट आवे वाला बा, आयल तो ना बा ना, इतना खुश होने की जरूरत नहीं खे। ए, ए, आ गई, आ गई। ए, 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 रिजल्ट आ गई। ए, हमर भगनी के रिजल्ट ये देख दीदी, हम तोरा पढ़ के बतावतनी। दा हमरा के पढ़ लेला हो गई, अब हम पढ़ेम। अरे बहुत पढ़ लिया, अब हम लसन मैल बुद्धि। हो गई पढ़ ले होके तो हमु पढ़ ली। का भइल बेटी? भाई हम फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई नहीं। छोरी तने मालूम है मने डायबिटीज है, खाऊंगी तो मर जाऊंगी मिठा। मौसी हम फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास कर ले बानी, थोड़की सी खा ले बो तो कुछ भी ना हुई। लो मौसी आज राउर बेटी रहे तबो ना खाई तू।
प्रणाम सर। खुश रहो, शाबाश विद्या, तुमने नाम रोशन कर दिया हमारा। आओ बैठो। आइए दशरथ बाबू, आप भी आइए बैठिए। जी देखिए दशरथ बाबू जी, गुरु तभी द्रोणाचार्य बनता है जब उसके पास शिष्य भी अर्जुन के समान होता है। विद्या, तुमको पढ़ा के हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तुम में जो आग है, पढ़ने की आग है, आगे बढ़ने की आग है, उसको जीवन में कभी ठंडा मत होने देना। और दशरथ बाबू, क्या सोचे हैं विद्या के बारे में, आगे क्या करना चाहते हैं? कैसन बात करता नहीं साहब, अरे बच्ची पर हमरा से ज्यादा आपके अधिकार बा। मेरे हिसाब से तो विद्या को लगातार आगे पढ़ना चाहिए। साहब हम और ज्यादा मेहनत करम, बाकी बेटी के पढ़ाई जरूर। तो ठीक है विद्या, कल तुम रामलखन सिंह महाविद्यालय चली जाना, वहाँ के प्रिंसिपल साहब से मिलना जी। मैं उनको फोन कर दूंगा, हो सकता है तुमको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, इससे तुमको पढ़ने में और आसानी होगी। ठीक है दशरथ बाबू, एक बार ग्रेजुएशन पूरा हो जाए उसके बाद हम बैठ के सोचेंगे आगे क्या करना है। ठीक बस साहेब, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। खुश रहो। बेटी के बीए करा के चाचा आप ठीक ना कहला, अब ओकरा खातिर कोनो लड़का जल्दी ना मिली बियाह खातिर। ये गुदना ठीके कहता जीजा, कभी कभी हमू सोचे नहीं कि इतना पढ़ल लिखल भगनी खातिर बिना दहेज के हमनी के जात में उतना पढ़ल लिखल लड़का मिली का। तोहरा के कहलस कि हम बेटी के बियाह खातिर चिंतित बानी, अरे हम अभी ओकरा के और आगे पढ़ाई। और दशरथ जी, सुननी है तुहार बिटिया बीए पास कर गई बिया? जी साहेब। बहुत अच्छा भाई, अब ओकरा 8-10 हजार के नौकरी मिल जाए, ओकरा हमरा पास भेज दो, जान लो खाता भाई लिखे के काम करी। हाँ ए साहेब, हम अभी ओकरा के और पढ़ावल चाहता नहीं। तू ना पढ़ा पैब, देखो डॉक्टर इंजीनियर मैनेजमेंट पढ़ावे में लाखों खर्चा होला। हम तो कहता नहीं कि ओकरा नौकरिया पे लगा देब तो सारा दुख दूर हो जाए। ऐसा है, ये गड़िया में के बैठल बा? हाँ, ये जिला के कलेक्टर हूँ। जीजा, ओकरा बारे में सोचबो मत करिया, वो बहुत ऊपर के बात है। अहो एक काम करा, तू लोग ऐजा के काम संभारा, हम तनी घरे से आवता नहीं। ठीक ठीक। दिनेश हाँ भाई, सब समनवा पहुँचवा दिया। ठीक हा? ठीक, ठीक बा, जाता नहीं। हाँ ठीक। ए गोधन, निम्नलिखित संख्याओं का एच। अरे बाबू, आज इतना जल्दी घरे आ गयला, तबियत तो ठीक बा ना? हमार तबियत के का, हम एकदम ठीक बा। अच्छा बेटी एक बात बताओ, ये क्लस्टर का होला? वो क्लस्टर ना कलेक्टर होला। अरे हाँ हाँ, वो है कलेक्टर। कलेक्टर कलेक्टर जिला के राजा होला, ओकरा आदेश से जिला खुलेला और ओकरा आदेश से जिला बंद होला। ओ देखा तोरा उहे कलेक्टर बने के बा। बाबू, इंसान के सपना भी ओकरा के अपन औकात के हिसाब से देखे के चाहिए। कलेक्टर बने के हमने के औकात नेखे माई। बाबू भूल जा, कहीं से जब सपना टूटी ना तब बहुत तकलीफ हुई। ए बेटी, एक गरीब के पास सपने तो बाजी वो अपना मर्जी से देख सकेला। ए बेटी, अब तू हमार सपना पर रोक मत लगावा ना, ये अधिकार हमरा से तू मत छीना। सुना, काल भोरे भोरे तू हमरा वहां ले चलिया जहां कलस्टर बनावल जाला। बाबू कलेक्टर। अरे हाँ, वो है कलेक्टर बनावल जाला, ले चलिए। ठीक बा। <ला पड़ा। laughs> ए बेटी, अरे इतना बड़ा स्कूल लगता। हाँ बाबू, लेकिन पहले आ चली जा हमने के क्लास में, पहले बतिया लियल जा। अच्छा चला चला।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियां खड़कती है खड़क सिंह के खड़कने से। अब हम आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं, ए 556 हर्ट्ज, बी 333 हर्ट्ज और सी 269 हर्ट्ज। ये रही उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ओके, तो आपको ये बताना है कि खड़क सिंह के खड़कने की आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या हो जिससे ये कांच टूट जाए। बाबूजी, तुम लोग इसका आंसर ढूंढो, मैं अभी आया। जी बताइए। सर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, अंदर बैठते हैं, आइए। आओ बैठिए। अरे रहुआ बैठी ना। बताएं। ए साहब, हमार बेटी के कलस्टर बना दी। बाबूजी, कलस्टर ना कलेक्टर। उहे बना दी। रवा तो ऐसे कहता नहीं जे कलेक्ट्री हम अपना जेब में लेके घूमे नहीं। चलो लाओ अपना मार्कशीट दिखावा। जी। मार्कशीट तो बढ़िया बा, बाकी यूपीएससी की परीक्षा हिंदुस्तान के सबसे जटिल परीक्षा में से हो, कर पाइबू? सर, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होला गरीब बन के जियल। जब वो जी गई नहीं तो दूसर कौनो मुश्किल से काहे डराए। ठीक बा, एक काम कर, नीचे काउंटर पे 10 लाख भरवा दो, वही जैसे सिलेबस और बैचो नंबर मिल जाए तोरा के, ठीक है? 10 लाख? ए साहब, अरे 10 लाख तो हम सपनों में ना देख ले हैं, इंतजाम कैसे करब? देखो, ये एगो प्राइवेट कोचिंग फर्म हो, यहाँ जो कोनो आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप ना मिली, रहुआ के तो पैसा भरे की पड़ी। सर? हाँ बताए। पहले ही कह ले रानी कि गरीब के ओके सपना अपन औकात के हिसाब से देखे के चाहिए। का भाई, टूट गई ना सपना, अब जाए ठेला लेके अपना काम पर और हम जाता नहीं घरे। चले सही से कस उसको, ये बबलिंग करता है चक्का, ठीक करना तो तुझे ठीक कर दूंगी मैं। हाँ मुसी, ठीक कर देता नहीं। इब का हुआ भैया, बहुत दुखी नजर आ रहे हो तुम। अरे मैडम जी, गरीब के भाग में कभो खुशी हो लका? पहली 100 रुपया कल के ठेला के भाड़ा। इब तो तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते तुम? अगर दवा नहीं लिए तो मर जाओगे तुम। अरे मैडम जी, डॉक्टर और दवाई के चक्कर में पड़ब तो बेटी के पढ़ाई का होई? अरे भैया, तो हमसे ले लो ना पैसा। मैडम जी, जहर खा के मुंह जाए, बाकी खैरात के पैसा ना ले, खैरात ना ले। इब तो लगता है कि स्वाभिमान
सिर्फ गरीबों के पास ही गिरवी पड़ा है। भगवान जीजा। ए भगवान जी संभाली। अरे अरे देखा देखा कि हम भगवान जी से डायरेक्ट बात कर रहे बने। अरे भगवान जी कोई के गरीब मत बनैया, और गरीब बनैया तो ओकरा औलाद मत दिया। बाबू का भइल, मामा का भइल बाबू के? अरे आज दारू पी लेले बड़न बाबू। रवा दारू पी ले बने? हाँ बेटी हम पीले बानी, जहर पीले बानी। बेटी हम तोरा के ता पढ़ा न सकीले, कुछ बना भी न सकीले, बाकी जहर ता तोर बाप पी सकेला। अरे हमरा पिए से भगवानों ने रोक सकेलन। हे भगवान जी, अरे तू जीत गई ला, हम हार गई नी। तू तो यह चाहत रहा ना कि हम अपना अरमान के जीता आग में जला के राख कर दी। आज तुम्हारी सपना हम पूरा करब। ई गरीब दशरथ मातो पूरा करी, ई गरीब दशरथ मातो। गरीब दशरथ मातो अपना और अपना बेटी के अरमान जला के राख कर दिले। जला के राख कर दिले। जला के राख कर दिले। जला के बेटी काल हम राते कुछ ज्यादा झमेला कर दिले रहनी का बाबू? ऐसा कुछ ना कर ले रहना तो का करी बेटी? भुला गेल रहनी है कि हमनी के गरीब है, आ गरीब खाली गुलामी करे खातिर पैदा होला। हमरा के माफ कर दा बाबू। माफ कर देम लेकिन एगो शर्त बा। का?
की याद के बाद से तू कबो शराब ना पिए बा। ना पिए बेटी, ना कभू हाथ ना लगाए ना। बाबू जितना हम पढ़ ले बानी ना, उतना तक करोड़ों लोगों के नसीब में भी ना होला। अब तक जहाँ चाहे वहाँ 8-10 हजार की नौकरी कर ले, बस तू अपन तकदीर के कौशल बन गया था बाबू। विद्या कुमारी का घर है क्या? जी हाँ। तुमको आकार कोचिंग सेंटर के जैन सर ने बुलाया है, चलो। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक। ए बेटी, ये जयंत बाबू काहे बुलावले हवन? बाबू तो उनकरे लंगे जाके पता चली। अरे ता देरी मत करा, चल हम हाथ मुंह धो लेता नहीं। अजय मिल लेवे के काजे में कोनो बात हो जाए। चल अब चल चल। सर हाँ, आपने बुलाया था जी। आई बैठी बैठी बैठी। देखा एक काम करा, नीचे से जाके अपन सिलेबस नोट्स और किताब के लेके आ जा। लेकिन सर वो फीस। अरे राहुल फीस तो कुल जमा हो गई बा। के जमा कैलस? राहुल मजबूरी देख के और एकर मार्कशीट देख के हम एगो ट्रस्ट फंड में आवेदन भर ले रही है। वो आवेदन के मंजूरी मिल गई बाड़े। अब से वो ट्रस्ट विद्या के कुल खर्चा उठाए, रहुआ के इक्को पैसा खर्चा करे की जरूरत नहीं है। बाबूजी अरे अपने आप के संभाल। प्रणाम। और विद्या जा, कल से टाइम पे आ जाइए। जी सर। चल बेटी चल। ठीक से बेटी, नीक से पढ़िया हुई जा। हाई देखी ता आज हमार बुचिया सहलो के बुचिया नियन लागत या एकदम। ठीक है बाबूजी, खुश हम जाते हैं। आशीर्वाद दी माई। एक बंदर 50 फीट के खंबे को चढ़ने की कोशिश करता है, अगर वो 1 मिनट में 7 फीट चढ़ता है और 3 फीट 1 मिनट में गिरता है तो आपको बताना होगा कि कितनी देर में ये बंदर शिखर तक पहुंचेगा। कोई जवाब है? एनीबॉडी? मे आई कम इन सर? हाँ आओ विद्या। एनी आंसर्स? अच्छा तुम बताओ। तुम? 10 मिनट सर। नहीं, सही जवाब है 12:30 मिनट। ठीक है, अब इसी सवाल को उल्टा कर देते हैं। अगर वो 7 फीट ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरे और 3 फीट ऊपर चढ़े तब उसे कितना वक्त लगेगा ये बताइए। जा प्यार के मंजिल हमरा ही बन के चलत रहे, तू बन जा प्यार के मंजिल हमरा ही बन के चलत रहे, तू अक्षर बन के छप जा दिल के किताब में, हम रात रात भर पढ़त रहे, अक्षर बन के छप जा दिल के किताब में, हम रात रात भर पढ़त रही।
जब चाहे तब देखी राख के सोझाई से चांद सितारा फूल भवरा साथ रहे ले जैसे प्यार के पंख लगा के हम आसमान में उड़त रही तू अक्षर बन के छप जा दिल की किताब में हम रात रात भर पढ़त रही तू अक्षर बन के छप जा दिल की किताब में हम रात रात भर पढ़त रही रहा तो सीना में हमरा धड़कन बन के कबो न छूटे संग तू बन जा साथी जन्म जन्म के तो हरे प्यार के गीतिया हम मन में हर दम गुनत रही तू अक्षर बन के छप जा दिल के किताब में हम रात रात भर पढ़त रही अक्षर बन के छप जा दिल के किताब में हम रात रात भर पढ़त रही मालिक ठेला के कलर करवा दी का कलर करवावे के अभी पैसा नहीं खे पहले ले जाके सीट लगवा न तो लेबरन के अरे बस 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 जी प्रणाम 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 राउर का नाम हो दशरथ महतो दशरथ महतो हाँ तो दशरथ चाचा आज से रउआ के 150 रुपया ठेला के देवे के पड़ी 100 रुपया से सीधा 150 रुपया मैडम जी कहाँ बड़ी उ जौन राउर मैडम जी बाड़ी नू उ कुल बेच बाज के कारोबार गांवे चल गयी का है अब एकुल तो हम नहीं खी जानत उनकरा के पैसा के जरूरत रहल बस बेच बाज के कुल चल गयी अपना गाँव में और हाँ जौना रूम में रह तानी ओकर किरेवो ला के हमरा के देवे के बा मंजूर बा ने रहुआ के 150 रुपया और हमरा लगे उपाय का बा चल ऐसे उ ठेलवा ले ला पहले उ ठेलवा के सीट लगवाओ जो जो पहले लेके कल सब करंट अफेयर्स की किताब लेके आना ओके सर क्लास खत्म विद्या तू रुका तोरा से एक जरूरी बात करके हम विद्या तोरा के का बुझाता कि जे तू कर रहा बाड़ू वो सिर्फ तोरा के लोकाता हाँ तोरा संगे संगे यहाँ सबके लोकाता का लोगो था सर यही कि तू जब से हमरा से मिलने बाड़ो हमरा से बहुत प्रभावित बाड़ो देखा ये आकर्षणी प्रभाव हमरे प्रति बहुत स्वाभाविक है विद्या बाकी ये आकर्षणी प्रभाव किस काम के जे इंसान के अपना लक्ष्य से भटका दे प्यार मोहब्बत खातिर तो सबसे उम्र पड़ल बा बाकी इस समय तो अपन भविष्य बनावे के हा इस समय फैसला करी कि तोहरा के तोहार जीवन साथी कैसन मिली देखा विद्या अगर इस समय हाथ से निकल जाए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाए प्यार जरूरी जरूर होला पर उससे जिंदगी ना कटे यही से अपना ध्यान के भटके मत दो यहाँ जोन करे आल बाड़ो उ करा अगर तू कुछ बन गई लो तो देश के करोड़ों दशरथ अपना अपना विद्या के पढ़ावे में लग जाए और जे तू बिगड़ गई लो तो समझ ना जहाँ तू खड़ल बाड़ो ना ओझा कोनो दशरथ अपना बेटी के कब्बो ना पहुँचाए अब तोहरा के ही तय करे के हा कि तोहरा के प्यार करे के बा के पढ़ाए ठीक बा चलो क्लास खत्म
विद्या के माई, ए विद्या के माई। जी आवतानी। ली पानी। बैठा। विद्या बीतिया ना ही लिहा का। हाय देखी नाम लेते आ गए विद्या। आव बेटी आव पढ़े गई रहलू हा का पढ़लू हा आज? जीवन के सबसे बोर पाठ पढ़ के अलमनी बाबू। बा ऐसे ही तू बढ़त चला तबे ता हमनियों के लागी कि हमनी जीवन में कुछ काम कर रहल बनी। आहा है ले पैसा। आज भाड़ा कम मिलल है का जी? किराया कम ना मिलल है, ठेला के भाड़ा बढ़ गई बा। मैडम जी अपना कुल जमीन जायदाद बेचकर चल गई, नया मालिक नया किराया। का मुसी चल गई ली? हाँ बेटी, जब ले रहली ना हमनी के बड़ा मदद के ली ना। देख बेटी उनका उपकार जीवन में तू कभू मत भूलैया। हाँ तहार बाबूजी ठीक कहा था नी बाबू, अगर कभी तोके मौसी भेटाए ना जिंदगी में दोबारा तो उनकर गोड़ जरूर छुई लिहा। अरे खाली बोलबू, जा बेटी जा कुछ खा ला। अरे तू मुंह का देख रहल बा, जा बेटी के कुछ खिया। हाँ, जाता नहीं। हम तनी आराम कर रहल बा। चला बेटी। मुझे भी कुछ कहाँ समझ में आया। तुमको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? पता नहीं आईएएस की एग्जाम में क्या लिखूंगी। ए विद्या आने जाके बैठा। कहाँ है? कहाँ भाई? तोहरा देश से बदबू आवेला और ये बदबू वाला लोग ना हमके बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसा काहे बोला तारू मधु, एक तो बिचारी देखे में भिकारी लगत बिया, कहीं से खैरात पाकर यहाँ पढ़ा आयल बिया और तू ऐसन काबू, तनिक देर एकर बदबू बर्दाश्त कर ला ना। ठीक भाई लोईजा जाके बैठ गई। गुड मॉर्निंग सर। जिसको तुम लोग बदबू कह रहे हो ना, वो बदबू नहीं किसी गरीब का पसीना है, और उस मेहनत से बहाए गए पसीने में से बदबू नहीं खुशबू आती है। ये बात जिस दिन ये दुनिया जान जाएगी उस दिन भेदभाव का भी ये टोटका खत्म हो जाएगा। वैसे भी इंसान को उसके औकात से नहीं उसके संस्कारों से जाना जाता है, और तुम लोग जो ओछी बातें कर रही हो ना उससे तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है उसका नहीं। बाय द वे एक विद्यालय है यानी विद्या का मंदिर, यहाँ सामान्य रूप से सबको एक जैसा शिक्षा दिया जाता है बिना भेदभाव के, इसलिए तो इसे विद्या का मंदिर कहा जाता है। और मैं चाहता हूँ कि इस विद्या के मंदिर को मंदिर ही बने रहने दीजिए, समझे तुम लोग? चलो। अच्छा कौन बताएगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी दूसरे मुल्क से ना तो इंपोर्ट होता है और ना ही एक्सपोर्ट। ब्रिलियंट विद्या, अब इसी सांस में बताओ कि कौन सा वो देश है जिसमें आज भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी लागू होता है? सर नॉर्थ कोरिया। बहुत बढ़िया, नॉर्थ कोरिया वो देश है जिसमें अभी भी ये लागू होता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में ही अगर कोडेड लैंग्वेज में बस को CVT कहा जाता है, बस को CVT कहा जाता है, तो कार को क्या कहा जाएगा? सर CAR का कोड DBS होगा। ब्रिलियंट विद्या, DBS करेक्ट, क्योंकि C के बाद D आता है, A के बाद B आता है और R के बाद S आता है, यानी DBS। बहुत अच्छे विद्या, तुम्हारा अगर फोकस ऐसा ही रहा तो मैं एक ना एक दिन UPSC जरूर क्रैक करूंगा। वैसे क्लास
आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए और कल मिलते हैं। चलिए क्लास खत्म। मामा कहाँ भाई माइके? अरे घर लौटते समय रास्ता में गिर गई है, कमर में फ्रैक्चर हो गिल बा। डॉक्टर बोले बाकी 6 महीना बिस्तर पे रहे के। का भइल रे मई तो के? कैसे गिर गईली? कैसे चोट लागल तो के? तार फालतू के टेसुआ बहवला से ई जल्दी ठीक ना हो जाइए। अब जब आइए गइल बाड़ू तो समारा अपना महतारी के। हां हमरो घर में बहुत काम बा, हम जाता नहीं, चल रे। मामा बाबूजी कहां बाड़े? अरे जीजा जी के तो कुछ पतो नहीं खे। अब तू आ गेल बड़ू तो माई के संभाल, हम जीजा जी के बुला के आवते हैं। चल माई तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। काहे झूठा दिलासा देता रू बिटिया? अरे अब कुछ ठीक ना होए, कुछ ठीक ना होए। कम से कम 2-4 घर में चौका बर्तन करके उनकर हाथ बटा देत रहनी, अब अकेले कैसन करिए तो हर बाबूजी कुल। एक तो बूढ़ बीमार शरीर उनकर और सारा के सारा बोझ उनकर कपार पे पड़ गए। तो चिंता मत कर माई, हम आनी ना, हमार क्लास 2 बजे से शुरू होला, ओकरा पहले हम झाड़ू बर्तन पोछा खाना भी बना ले, सब खा ले माई। हम मानी ना। अरे हमार बुचिया तोरा नियन बेटी सबके दे भगवान, हम धन्य हो गए नहीं तू हमरा कोख से पैदा भइल हुआ। झुक झुक जिया बेटा, झुक झुक जिया। तू के बाड़ू? हमको सलिया देवी के बेटी हैं। कहाँ बाड़ी तो हर महतारी, 2 दिन से झाड़ू पोछा करे में कितना दिक्कत भइल है तहनी के पता बा? माई के अचानक से तबियत खराब हो गई बा, यही से उनकरा जगह हम झाड़ू बर्तन पोछा करे आयल बनी। जा जाके झाड़ू पोछा करा। झाड़ू लगा रहल बाड़ी। आप समझ में आई कि इनका आवते क्लास में बदबू कहां से आ जात रहे? का हो कलेक्टर साहिबा, कलेक्टर बनला के बादो ये कुल करबू का? अरे छोड़ा ना मधु, बेचारी मेहनत करके पसीना बहावतिया। ई पसीना नेखे बहावत, घर घर के सारा जूट काट बटोर के क्लास में जाके रायता फैलावे ले लगावत रहा है बेबी, तहरा के इहे काम शोभा दे। कलेक्टर साहब के अपन काम करे दा। चला। मधु आज कौन सा चैप्टर है? मुझे नहीं पता, गौरव से पूछती हूँ। ए गौरव, ए विद्या, हमरा घर में बढ़िया से झाड़ू पोछा कैलू है ना? अगर तनिको गंदा छोड़ ले होकबू ना तो अपन माँ से कह के तोहर पूरा महीना के तनखा कटवा देब हम। क्या बात कर रही है मधु, ये झाड़ू पोछा करती है? हाँ गौरव, ई महारानी लोग के घर में जाके दाई के काम करेली और सपना का कलेक्टर बने के। का हो ई झाड़ू पोछा मारे वाला के अपना बगल में बैठे बा लोग का? ओ विद्या चल जा तोहार जगह पीछे बा, चल जा 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 जा। अब देखत का बाड़ू, जा अपन जगह पे बैठ जा, पीछे ही बा तोहार जगह।
सही जगह गई। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। चलिए अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक खोलिए। कम ऑन। ये समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बहुत ही डिफिकल्ट रहे, हमके कुछ भी ना पता। हा? अरे यार, कुछ समझ में नहीं ख्यावत की कोडिंग डिकोडिंग होई कैसे? कहा समझे वो, हमरो समझ में नहीं ख्यावत। ए विद्या, अनहर हो है, खाली कब दिखत नहीं खे, एके उठा के लेके जा। यह लायक बड़ू तू, यह कर। आयशा ठीक कहत बाड़ू, पैर की जूती पैर में ही नीक लागेला। जल्दी उठावा और लेके जा। जा जाओ। अरे जा ना। आ गेलू काम खत्म करके, मेहताइन के घर चल जइहा, उ भी तोहरा माई के खोजत रहनी। मैडम जी, सुकुलाइन मैडम जी बोलत रहली हा कि हमर माई रोवा घरे काम करत रहली हा। अच्छा, तू कौशल्या के बेटी हो जी? अच्छा कैलू कि अपने माई के काम संभाल लेलू। अच्छा, मधु बतावत रहे कि तू ओकरा संगे कलेक्ट्री के पढ़ाई करत हौ जी। छोड़ द, सब कुकुर कासी जाई तो लोग के जूठा पत्तल के चाटी। जा। के दिन जब सर पे आवे, परछाई भी साथ छोड़ावे। ए हो, ऊपर वाला लिखे वाला तो नसीब हो, दे दी हम गतिया तो बनैहा जन गरीब हो। दे दी हम गतिया तू बनैहा जन गरीब हो। हो साथ छोड़े जे भी रहेला करीब हो, दे दी हा मऊ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो। दे दी हा मऊ गतिया तू बनैहा जन गरीब हो। ला जीजा, खा। ना हो तू ही खा, हम ना खाए। जीजा, दिन भर हाड़ तोड़ के मेहनत करेनी, समय से कुछ खाए पिए ना तो कैसे चली? ए दिनेश, है 5 रुपया के जे हम नाश्ता करब, उतना में हमार बिटिया के कलम खरीदा जाए। यह लापरवाही ना एक दिन जान पे पड़ जाई। अरे दिनेश, जौना दिन हमार बिटिया पढ़ लिख के साहेब बन जाइनु, उ दिन हमार जिंदगी के सारा कष्ट दूर हो जाए। सब विद्या, हम कहले रहनी ना कि एको क्लास नागा ना होके खिचाई। हम पढ़ाई छोड़ देनी सर। का पढ़ाई छोड़ देनी?
अरे काहे खातिर रोवा समझत खाने की इस समाज कब हमने की तरक्की बर्दाश्त ना करे हमने के पैर के धो ले जा कब वो तिलक बना के अपन माथा से ना लगाई हम एक सोच ले ले भानी कि 10 घर बर्तन माजम झाड़ू कर पोछा कर वही में हमारी जिंदगी कट जाए विद्या बस चल जाए यहाँ से रोवा हमसे अभी समाज के ताना बर्दाश्त ना हो ताना बर्दाश्त ना हो चलो हमने से जाने लू के हवे हाँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्यार से बाबा साहेब इनका आम आदमी से महामानव बने की जीवनी जाने लो तू नहीं ना हम बताओ तानी क्लास में पहला होवे के बावजूद भी कक्षा के बाहर बिठा के रखलस प्यास लगला के बावजूद भी घंटों क्लास के बाहर बैठल रहलन काहे कि हम छोट जात के हैं पानी के बर्तन ना छू सकी ले हाँ कोनो अध्यापक कोनो टीचर उनकरा पे तरजीह ना दिलास और यही हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर हवे जौन अपना कौम के कहियो पानी पिए के अधिकार दे देलन अब एक बात सोचा अगर उ दिन वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के मुंह मोड़ लेतन तो का जिस देश के संविधान मिलित आई भेदभाव के दुर्व्यवहार खत्म होई ना ही विद्या ना ही वो जमाना कुछ और है आज के जमाना के लोग के पुल हमारा सीना में तीर जैसे लगता हमसे ना हो पाई आगे की पढ़ाई ना कब पाई हम पढ़ाई अब जब तू सोच ले लेहल बाड़ू जे चुनौती से पीठ दिखा के भाग जाएगू तो एक बार अपन बूढ़ बाप के चेहरा भी देख लो दौरा चलते कितना सपना संजोले बाड़े खुशहाली के जिंदगी के सपना देखत रहले इनकरा छोड़ उ औरत के बारे में सोच लू हा जे अपना सब कुछ बेच के तोहार ट्यूशन की फीस भर लिया एक दिन ये शहर छोड़ के चल गए और अब अगर दिल है ना तो सोचे के पड़ी महसूस करे के पड़ी केकर बात कर रहा है चंपा मौसी बाबू सर ये पैसा रखो वो अपनी छोड़ी विद्या है ना उसकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए जान सकता हूँ आपका विद्या से रिश्ता क्या है मदद करने खातिर ना रिश्ता का होना जरूरी ना होता है लेकिन हाँ बाबू सर एक विनती है हमारी ये पैसे वाली बात ना किसी से ना बताना वो क्या है ना बड़ा ही स्वाभिमानी परिवार है उसका पता चल गया ना तो मदद ना लेगा वो लोग प्रणाम हमके माफ कर दी सर हम इतना लोग की उम्मीद नहीं तोड़ सकत सर हम कल से कोचिंग रोज है हमरा की तोरा से यह उम्मीद रहे कल से आ जाइए हाँ चला क्लास खत्म जाना तो हलो कहे कि हमरा शरीर से बदबू आवेला आज तो हलो के बताई कि हमरा शरीर से बदबू आवेला कि खुशबू चल विद्या
का बात बा? लगता कलेक्टर साहिबा के हाथ में कोनो इत्र के सीसी मिल गईल बा। तो चिंता मत कर, आज से तारा के रोज इत्र की खुशबू फ्री में सूंघे के मिली। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए आप लोग सब। थैंक यू सर। देखिए प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुकी है, इसका मतलब हमारा सारा फोकस उसी के ऊपर होगा, ठीक है? इसमें दो किस्म के पेपर होंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा और दूसरा सामान्य ज्ञान। आप लोगों को ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव है और ये अनिवार्य है, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू बीट, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, क्योंकि गलत जवाब दिया तो मार्क्स कटेंगे। इसलिए 100% जिस सवाल पे आपको भरोसा हो तो उसी का जवाब दीजिए, ठीक है? चलिए सामान्य ज्ञान की किताब निकालें, आज हम उसकी पढ़ाई करते हैं। बड़ा मुश्किल से दोनों जन मिलके घर चलावत रहनी जी। एगो बात कही का, रहुआ तो एकदम अकेले पड़ गई नी, कैसे अब संभालब? ठीक रहनी है तो दो पैसा कम से कम मदद कर देत रहनी है, अब तो हमहु बोझे हो गई नी आप पे। अरे पागल हो गए बारू, भगवान अभी हमार दोनों हाथ गोर सलामत रख ले हमें, तू चिंता मत कर, हम सब ठीक कर ले। रात के 12 बजे कौन से पढ़ाई होला विद्या? का भइल मामी? का भइल? ये पढ़ाई के आड़ में जवन तू खेला खेला तरु हमने के पता ना चली। का कहा तरी? के बा? देखी था? हाँ? सब पता चला था, हमने के लौकत नहीं खेका। हाँ? देख ला तू ये सब जाना इनका। हाँ? का भइल? ये सब का हो रहल बा? रहुआ तो ऐसे बतियाओ तनी जीजा जिसे कुछ पता ही ना है रहुआ के। बेटी के इतना एडवांस बना देनी कि सरे आम रात के 12 बजे अपना आशिक संगे मुँह काला करता रही। हाँ? ये ड्रामा ये मोहल्ला में ना चली, हाँ बता देता नी। हाँ कब बात? तू लोग तो 21 सेकंड में विद्या के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ा देलन, कभी सोच लू हा जे विद्या इतना मेहनत इतना तपस्या करके अपना माई बाबूजी के सपना पूरा करत भिया? हाँ ओ हाँ, हम तो भुलाइए गई नी, तू लोग तो वही लोग है ना, हाँ जेकरा खातिर श्री राम के अपना गर्भवती पत्नी से अलग रह के पड़ल। हाँ बाकी एक बात कान खोल के सुन लो विद्या, तू लोगों के चलते कोनो अपनी परीक्षा ना दी, और विद्या तू भी एक बात सुन लो, तोहरा के डरे की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि तोहार गुरु तोहरे साथ हो, बुझलू? क्लास खत्म। क्लास खत्म चल रहे, बड़ो कैसन कुछ करबू ना तो तहार टंगरिया तोड़ के रख दे। चल मेरी ना कभी कम हो जो तू वो चाहत मेरी, तेरे बगैर कट जाए ऐसा ना हो कोई दिन। मैं हसीन तू हसीन आज मूड है रंगीन, ओ मेरे लवली सैया बना लो लव सी, ओ मेरे लवली सैया बना लो लव सी।
सासू घर सकल पे एहो रानी राहा संभाल के इतना बड़ाई जदी कर बबलम जी गिरी जाए नहीं आते गाल के हो मन बेईमान होता सू घर सकल पे एहो रानी राहा संभाल के इतना बड़ाई जदी कर बबलम जी गिरी जाए नहीं आते गाल के अब तो दिल ये रहना चाहे बस तुझ में ही लीन मैं हसीन तू हसीन आज मूड है रंगीन ओ मेरे लवली सैया बना लो लव सीन ओ मेरे लवली सैया बना लो लव सीन रही निहारत बस सारी सारी रतिया कारी कचरारी तोरी अखिया कोरवे में काटल चाही जिनकी राजा सुनते सुनत तो हर बतिया हो रही निहारत बस सारी सारी रतिया कारी कचरारी तोरी अखिया कोरवे में काटल चाही जिंदगी राजा सुनते सुनत तो हर बतिया तुम ही सब कुछ अब मेरा मैं कुछ भी न तेरे बिन मैं हसीन तू हसीन आज मूड है रंगी ओ मेरे लवली सैया बना लो लव सी ओ मेरे लवली सैया बना लो लव सी सिस्टम से अगर पढ़ाई कर दो तो अब तक सब पूरा हो जाए थे। ठीक है अब ध्यान से पढ़ाई करा। हाय हाय हाय। सुनी क्या तुम लोगों ने कल रात की ब्रेकिंग न्यूज़? क्या कहा भाई? मेरे घर की बाई बता रही थी कि कल रात झाड़ू पोछा वाली कलेक्टर साहिबा के यहाँ जैन सर और उसको लेकर खूब हंगामा हुआ। अच्छा? हाँ, जैन सर तो उसको घर तक छोड़ने गए थे। देखा, सच में इनका तेवर बदल गई बा। तेवर का है ना बदले, इनकर ऊपर जैन सर के हाथ जब बा। पढ़ाई के बहाने सर के साथ घुमल फिरल होता ना। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब यहां से मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है और आप लोगों की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मन लगा के पढ़िए और एक चीज याद रखिएगा, ख्वाब देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, ख्वाब देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो नजारा क्या होगा जब मंजिल हाथ आएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम की तैयारी कीजिए और क्लास खत्म। जय।
आयशा कश्यप, आप प्रीलिम्स पास कर। मधु शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, थैंक यू सर। गौरव पटेल। यस, बहुत। विद्या कुमारी। आप पास हो गई हैं। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। और बाकियों के लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और आप चार लोग मेंस की तैयारी शुरू करें, ठीक है? पूरे जिला में मेंस क्लियर करे वाला तू एके लड़की बाड़ू, ठीक है ना? और एकर मतलब ये है कि जिला के ही ना, पूरे देश के नज़र तोहरे ऊपर बा। यही से अपना ध्यान के अन्य उन्हें भटके मत दिया। और श्री गुरु गोविंद जी के श्लोक याद है ना, देह शिवावर मोही है, शुभ कर्मन पे कबहू ना टरो, ना डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ई इंटरव्यू क्लियर करे खातिर हम अपन पूरा जान लगा दें। गुड, हमरा के यही उम्मीद रहे। आशीर्वादी मामा। हमरा के भरोसा तो नहीं खे, फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करब कि तू कुछ बन जा। प्रणाम मामा। खुश रह बेटिया, खुशी खुशी जा और खुशी खुशी लौटिया। रवा चिंता ना करी मामा जी, हम पूरा जान लगा दें अपन ये इंटरव्यू क्लियर करे खातिर। हमरा पूरा भरोसा बा बिटिया, हमारा आशीर्वाद तहरा साथे बा। जा। खुश रहा बिटिया, चिंता जिन करी है भगवान जी सब ठीक करी है। भगवान तोरा के बहुत सफल बना बस। ए बेटी, अरे सुननी है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर हवे, तनी संभाल के रहिया। हम लोग के चिंता मत करी हा, हम लोग अपना के संभाल ले। अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया।
सारा दुनिया के पता बा कि पंडित दिवाकर द्विवेदी केंद्रीय राज्य मंत्री बड़े, खाली हमार बहिन के पता नहीं खे। पता कैसे चली भैया? मंत्री वाला कौनो काम करी तब तो पता चली कि हमार भैया मंत्री हवन। तो बताओ ना, हम ऐसा का कर दें कि तहरो विश्वास हो जाए कि तहार भैया मंत्री बड़े? विद्या नाम के एगो जवन लड़की आईएएस के इंटरव्यू देवे गयल बिया, ओकरा के फेल करके दिखावा तब हम जानी कि तू मंत्री हवा। फेल तो हम ओकरा के करवा दे, लेकिन एकरा में एमे तहनी लोग के का फायदा बा? फायदा बा भैया, हम और आयशा मेंस में आके छट देनी जा, ई बेइज्जती वाला बात नहीं है। लेकिन एगो झाड़ू पोछा करे वाली लड़की अगर आईएएस क्लियर कर लेलस, ऐसे बेइज्जती वाली बात का हो सकेला भैया? हाँ भैया, कल से दुनिया यह कही कि एगो झाड़ू पोछा करे वाली लड़की मंत्री जी के बहिन के इज्जत पर पोछा लगा गई। समाज में हमरी नाक ऊंचा करे खातिर ओकर फेल भइल बहुत जरूरी बा। ठीक बा, तो हम अबे यूपीएससी इंटरव्यू कमेटी के सचिव वर्मा जी के फोन कर दे। वर्मा जी के फोन लगाओ तो। जी मंत्री जी। हाँ वर्मा जी, ली ही मंत्री जी से बात कर ली। जी मंत्री जी, प्रणाम। का हो वर्मा, का हालवा हो? सब खैरियत है मंत्री जी, आप बताइए कैसे याद किया? हमारा एगो कैंडिडेट है, उसको फेल कराना है इंटरव्यू में। कौनो राजनीतिक दुश्मनी है क्या? ना ना, राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है समझ लीजिए। नाम बताइए जरा। विद्या। हाँ, विद्या कुमारी नाम है। उसका तो आज ही इंटरव्यू है। तो आज ही खुशखबरी दीजिए, मिठाई से भरा हुआ डिब्बा और तोहफा से भरा हुआ बैग आपके आवास पे पहुंच जाएगा। आपने कह दिया मंत्री जी, समझ लीजिए काम हो गया। विद्या का किसी भी कीमत पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है वर्मा, हम किसी का फोन का तो इंतजार आज तक किए नहीं, लेकिन आज तुम्हारे फोन का इंतजार जरूर करेंगे। श्योर श्योर। एक बार इस विद्या को आने तो दीजिए। सर, यस प्लीज कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट प्लीज। सर, विद्या कुमारी, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी विद्या तुम्हारे भीतर ही समाई हुई है। थैंक यू सर। अच्छा विद्या, सबसे पहले ये बताओ कि अगर तुम्हें प्रशासनिक सेवा का मौका मिले और एक जिला के जिलाधिकारी के रूप में तुम्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, तो तुम सबसे पहले किस सेक्टर को मजबूत करना चाहोगी? सर, एजुकेशन सेक्टर। अच्छा, क्योंकि समाज शिक्षित होगा तो अपराध कम होंगे, सरकारी विकास की योजनाएं लागू होंगे, जरूरतमंदों को उचित लाभ प्राप्त होगा और हमारा जिला खुशहाल होगा। अच्छा, अब ये बताओ कि किसी अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? कि अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो उसे अपने जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैम, शिक्षा के अभाव में घर के घर उजड़ जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं,
और इंसान की जिंदगी में इतनी चुनौतियाँ आती हैं कि उन चुनौतियों का सामना करते करते इंसान खत्म हो जाता है। अच्छा विद्या, तुम उत्तर प्रदेश से आती हो ना? जी सर। तो सरकार की एक योजना है मजदूरों के लिए, श्रमिक भरण पोषण योजना, क्या है? जो श्रमिक है उनका परिवार मजदूरी से चलता है और कोरोना काल के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन श्रमिकों के लिए श्रमिक भरण पोषण योजना लागू की है, जिसमें हर परिवार को 1,000 रुपए लाभ मिलता है और इस लाभ का 20 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से तुम क्या समझती हो? मैम, राज्य में बहुत सारे यूथ हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन अपने राज्य में उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिलती है। इसी को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत की, ताकि बच्चे बाहर जाके अच्छी पढ़ाई कर सके। ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि एक किसान के खेत में 4 घास के ढेर थे और उसके बगल वाले खेत में 4 घास के ढेर और थे, और उस किसान ने सभी घास के ढेरों को एक साथ मिला दिया, तो अब बताओ कि उस किसान के पास कितने घास के ढेर रह गए? मैम, 1 ढेर। गुड। ग्रेविटी का सेंटर क्या होता है? ग्रेविटी शब्द के सेंटर में वी अक्षर आता है। इसका आंसर वी होगा। वाई के अगर कुल 8 बच्चे हैं और उनमें से हर एक की एक एक बहन हो, तो वाई के कुल कितने बबच्चे होंगे? सर, वाई के 9 बच्चे होंगे। गुड। अच्छा, एक और प्रश्न। इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग पढ़ा जाता है? मैम, इंग्लिश का शब्द रॉन्ग जिसको हमेशा रॉन्ग कहा जाता है। वेरी गुड, थैंक यू मैम। अब तुम जा सकती हो विद्या। थैंक यू सर। वर्मा जी, प्रतिभा में तो कोई कमी नहीं लड़की के, लेकिन झाड़ू पोछा करने वालों के हाथ में प्रशासनिक सेवा की बागडोर दे दी गई तो हो चुका हमारे देश का कल्याण। ए छोड़े, पागल हो गया क्या? दिखता ना है तुझे, अभी अभी पोछा लगाया, गंदा कर डाला, चलो आगे यहाँ से। ए ए छोड़े, तू मौसी, तू यहाँ? अरे मैं यहाँ हूँ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू यहाँ है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। रे, मैं तो हमेशा से तुझे यहाँ देखना चाहती थी, इब जाके ऊपर वालों ने मेरी चाहत पूरी कर दी है। रे मौसी, अपने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। अरे छोड़ी कहाँ रे, थक गई थी उस शहर में, बहुत कुछ छीन लिया था शहर ने मेरा, और वैसे भी मेरी माँ की अनुकंपा की नौकरी बची थी, आग ही पकड़ ली मैंने। इब तू ये बता कि तेरा इंटरव्यू कैसा गया? मौसी, ये लोग कभी हम गरीब का भला नहीं होने देंगे। ए छोड़ी, ऐसा नहीं सोचते ना। एक दिन तू इस इमारत के सामने खड़ी होगी, ऐसा किसी ने सोचा था क्या? नहीं ना, जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है ना, वही तेरी नैया को पार भी लगाएगा। तू ऊपर वाले पे भरोसा रख, समझी? अलग जगह ले। तेरी बॉल पकड़ ले ले, तो तहार नौकरी बाज जाए। ठीक बस। ना तो गई। चल तहार नौकरी गई। तू आओ रे, लाओ बॉल दे। चल तू हुआ।
पकड़ा जाए। का भेल भैया, विद्या के बारे में कुछ पता चलल? पता का करे के बा, फेल हो गईल होई। फेल हो गईल होई के का मतलब है भैया? का कोनो कन्फर्मेशन बा? अच्छा, कन्फर्मेशन चाहिए? हाँ बिल्कुल। ए मिश्रा। जी सर। जरा कन्फर्मेशन फोन लगाओ तो वर्मा के। हाँ वर्मा जी, ली मंत्री जी से बात करी। का हो वर्मा, का हुआ? हो गया मंत्री जी। फेल कर दिए ना? ना, हम सब फेल हो गए मंत्री जी। का बकवास कर रहे हो वर्मा? बकवास नहीं मंत्री जी, दिल की बात कर रहे हैं। अपने पूरे जीवन के सर्विस में हम कोई अच्छा काम किए हैं कि नहीं, ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर आज हमने विद्या को फेल कर दिया तो हम सब फेल हो जाएंगे। विद्या का फेल होना मतलब देश के 80% उस आबादी का फेल होना, जो अपनी आंखों में एक सपना लिए घूम रहे हैं कि उनके भी अच्छे दिन आएंगे। हम उन करोड़ों सपनों को नहीं फेल कर सकते। और हाँ मंत्री जी, आपके संसदीय क्षेत्र से एक लड़की IAS चुन के जा रही है, अब तो स्वागत की तैयारी कीजिए। काबिल भैया, चेहरा का है उतरल बा? तहनी लोग जितना दिमाग विद्या के फेल करावे में लगावत रहली, उतना अगर पढ़ाई पे ध्यान देले रही तो आज विद्या के जगह तहनी लोगों में से कोई एक IAS ऑफिसर बनल रहती। और राजनीति में अवसर बड़ा मुश्किल से मिलेला, अवसर के पहचानला बहुत जरूरी बा। अब विद्या भी तहार दोस्ते न बड़ी, हमनी के क्षेत्र से पहली बार केहू महिला IAS ऑफिसर बने जात बड़ी, ये तो खुशी के न बात बा। जा तहनी लोग भी तैयारी करो, और आज के बाद से पढ़ाई पे ध्यान दियो तहनी लोग। हाँ भाई, तहरा नौकरी चाही? हाँ सर। तो बॉल पकड़ ले, समझ ले, पकड़ ले, नौकरी गईल। और बता का हो रहा है? बस मौसी मेहनत करे तानी। और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाबेगा, देखना तो, मेरी बात पर भरोसा रख। विद्या, कंग्रेचुलेशंस विद्या, भारतीय प्रशासनिक सेवा में तुम्हारा स्वागत है। अफसर बिटिया। सच में? अफसर बिटिया। देखा छोरी, मैंने कहा था ना, मारी बात सच हो गई। यू हैव ब्राइट फ्यूचर, कंग्रेचुलेशंस। ए छोरी, देखा ना, मैं कहती थी ना, तेरे सारे सपने सच होंगे, और हो गया। मौसी के देख रहा बाड़ू कुसुम को, मारी छोरी कुसुम। कुसुम कौन? मारी एकलौती छोरी थी कुसुम, तेरी तरह ना, वो भी बहुत पढ़ना चाहती थी, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती थी, पर उस वक्त हमारी औकात ही नहीं थी उसको पढ़ाने की। एक दिन निराश होकर उसने फांसी का फंदा लगा लिया। मौसी, मैं हूं ना आपकी कुसुम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे पता है रे छोड़ी, तू मेरे साथ रहेगी, लेकिन अभी ना तू घर जा, और घर जाके सबसे पहले ना अपने बुढ़ाओ का ना इलाज कराना। तुझे पता है तेरे पढ़ाई के चक्कर में अपना इलाज भी नहीं कराता था। जाके उसका ख्याल रख, और ये खुशखबरी ना सबको सुना दे। जा छोड़ी, खुश रहना। ये बस कितना लेट हो गई?
विद्या कुमारी, बधाई हो। तालियां। तहरा का लागल कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठल रहनी। पहला बेर हमार क्षेत्र से कोई महिला कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर बने जात रहली हो, तो चुप कैसे बैठती? पूरा दिल्ली तक फोन लगा के हिला देले रहनी पूरा दिल्ली के। अरे सहेली बाड़ी, स्वागत, माला पहनाओ, माला पहनाओ। कांग्रेचुलेशंस विद्या। तालियां, तालियां। हाँ तो विद्या कुमारी, तहरा लगे तो चाय खातिर कुछ नहीं खे, आओ ना, तहरा खातिर गाड़ी बा, आओ चलो। ले चला सहेली के गाड़ी में लेकर चलो, आओ। आजा बेटा। इंसान के हमेशा जमीन पे रहे के चाहिए, सीखत रहनी लोग। संगे पराया जैसन व्यवहार कहनी, हमरा के माफ कर दे विद्या, हमरा के माफ कर दे। अरे मामी, कैसन बात कर रहल बाड़ू? हमके केहो से कौनो शिकायत नहीं खे। माई, बाबू कहाँ बाड़े? तो के आज के दिन तो रोकल चाहत रहला माई, कितना बोर दिन बा आज। तो हर ई बिंदी सिंदूर चूड़ी कैसन भेस बनेले बाड़ू? ई का होलिया बा माई? अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया। कलेक्टर जिला के राजा होला, ओकरा आदेश से जिला खुलेला और ओकरा आदेश से जिला बंद होला। ओ, देखा तोरा उहे कलेक्टर बने के बाद। बाबू!
बाबूजी, तू कहले रहना कि हम अपन ध्यान रखो, ये ध्यान रखलो तू अपन, ये ध्यान रखलो तू अपन, पर थोड़ा भी इंतजार ना कहला, थोड़ा भी भरोसा ना रहे हम पे, हम कहले रानी ना कि हम जल्दी आए, देखी हम अफसर बन गए हम बन गए नहीं अफसर हम बन गए बाबू अफसर बेटी पहले ही से बहुत बीमार रहना कितना बार कहने की इलाज करवाला लेकिन हमेशा ही कह के टाल देलन कि हमरा अपना बेटी के पढ़ावे के बाद एक दिन अचानक ढेर तबियत खराब हो गई बेटा डॉक्टर कहला सा कि कैंसर हो गई बा उनका लास्ट स्टेज कुल तोरा से बतावे से वो खुद ही बना के ले रहा बेटा जीजा जी के आखिरी इच्छा तोरे पूरा करे के बाद उठ जो उठ बेटा उठ आज तक हमरा और विद्या के बीच बहुत बड़ा सामाजिक और व्यवहारिक अंतर रहे आज वो अंतर खत्म हो गई बा अगर विद्या के कोनो ऐतराज न हो तो ये अस्थि विसर्जन के हकम तोरा से मांगा था नहीं विद्या का तू देव हमरा के ये हक Thank you.
आशीर्वाद दें। नया जिला नई पोस्टिंग। बेस्ट ऑफ लक विद्या। अच्छा सुनी, राउर खाना बना के हम फ्रीज में रख दले पानी, और ध्यान से काम के चक्कर में खाना खाए मत भूलिए। अच्छा हो गया, क्लास खत्म। क्लास खत्म। विद्या, आई लव यू। आई लव यू टू। बनावे हम सब कर बेटी देखा, नीली बत्ती के गाड़ी में शान से बाटे आयल, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया। बड़े बड़े हाथ जोड़ सब खड़े खड़े, केहू के हिम्मत नहीं खे आगे ओकरा बोल पड़े, बोल पड़े, बोल पड़े। करे सलामी बड़े बड़े हाथ जोड़ सब खड़े खड़े, केहू के हिम्मत नहीं खे आगे ओकरा बोल पड़े, आगे ओकरा बोल पड़े। मान और सम्मान का होला सबके आज बुझाइल, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया, अफसर बिटिया। केता नहीं गुजारा, न्याय के खातिर लड़ जाए पीछे ना ही मुड़े दोबारा, दोबारा, दोबारा। दीन दुखी के बने सहारा, दुश्मन केता नहीं गुजारा, न्याय के खातिर लड़ जाए पीछे ना ही मुड़े दोबारा, नहीं मुड़े दोबारा। चोर उचक्का गुंडन के ऊ बंद कर दी फाइल, अफसर बिटिया, 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 अफसर बिटिया। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।